हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है जो मैं करने जा रहा हूँ। इट्स अ मॉर्निंग वॉक। आई डोंट नो इफ आई एम लुकिंग गुड और नॉट इन दिस। और व्यू कुछ ऐसा है। आई एम गोइंग टू वॉच द सन। मैं सन के अपोजिट साइड में जाने वाला था पर अचानक से मैं इधर आ गया। यहाँ से जाऊंगा सन के अपोजिट साइड में। क्यों? नाउ दिस इज कूल। कैन यू सी द मून? लुक एट द मून। चंदा मामा अच्छा दिख रहे हैं। मुझे लगा था मैं 5:30 बजे तक उठ जाऊंगा पर लेट हो गया। मैं 6:30 बज गया तब उठा। एक घंटा मैं पता नहीं क्यों मैं हमेशा 1 घंटा लेट कर देता हूँ। 5:30 बजे आता तो कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता मुझे। इट्स ओके। वैसे मेरे को थोड़ा ठंड लग रहा है। ठंडा है थोड़ा मौसम। रोड पूरा खाली है क्योंकि सुबह का टाइम है। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरा ऑकवर्डनेस चला जाएगा पर नहीं जाता। अभी भी मैं उतना मतलब फ्री नहीं हूँ। कितने ज्यादा लोग घूम रहे हैं। ये एक स्ट्रीट व्लॉगिंग होगा। काफी लोग आ रहे हैं। और जब भी ऐसे लोग आते हैं ना और देखते हैं तो मैं पता है क्या सोचता हूँ कि मेरे आसपास से भी लोग जाते हैं। मैं जब ध्यान नहीं देता इतना तो वो लोग क्या देंगे। और वो लोग देंगे भी तो हम जानते तो है नहीं। देखेंगे चले जाएंगे। जो भी बिगनर्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोच के ना ट्राई नहीं करते। जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं पर ट्राई नहीं करते। मैं 1 घंटे लेट आया हूँ तो शायद मैं जल्दी जाऊँगा वापस। मुझे पहले आना चाहिए था। इधर पार्क है।
मैं यही व्यू चाहिए था मेरे को, ऐसे लोग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, जो सोचता हूँ मिल जाता है मेरे को, आसानी से मिल जाता है, सबको मिल जाता है। वैसे मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं यहाँ जाऊँगा तो रुक जाऊँगा, फिर मेरे को मूव करते रहना है। मैं काफ़ी आगे तक जाने वाला हूँ यहाँ से, काफ़ी आगे दूसरा जो अल्फा उनका मार्केट है, मैंने सोचा है वहाँ तक जाऊँगा मैं, जो यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे, मच फार अवे फ्रॉम यू, जिसको मैं पैदल ही ब्लॉक करने वाला हूँ। मैंने स्टडी मोड ऑन नहीं किया है कैमरे का, क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि 30 सेकंड वो फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड करता है, तो 30 सेकंड पर रेट पर रिकॉर्ड तो करता है, ठीक रहता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है ना उसमें, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मैंने फ़ोन को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले गया, ऊपर से नीचे, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, नॉइज आ जाता है। और अभी मैं इसमें भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, वैसे तो इसमें क्लियर सब दिख रहा है, व्यू इस रोड के किनारे का व्यू कुछ ऐसा है। अभी बीच में क्या हुआ था, मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जब ये रुक गया था तो मैं भी यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे पता नहीं क्यों रुक गया था, मुझे नहीं पता, इसे रुकना नहीं चाहिए था वैसे। आशा करता हूँ फिर से ये रुके ना। सुबह सुबह थोड़ा तो ठंडा तो है, पर यही दोपहर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना कि प्रॉब्लम होने लगती है। यार यहाँ आसपास उतना अच्छा है ही नहीं घूमने लायक, किसको मैं ब्लॉग में कवर कर सकूँ, यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ पर काफ़ी दूर है, मैं शायद ना भी जा पाऊँ वापस आ जाऊँ। मेरे पास कहानियाँ नहीं हैं बताने को, लोग कहते हैं ब्लॉग में अपनी कहानियाँ बतानी चाहिए, पर मेरे पास कुछ खास कहानियाँ नहीं हैं।
वैसे मैं यहाँ तक आ गया, मैं इससे आगे नहीं जाने वाला हूँ, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, रोड तक जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं देखना है, सोचूँगा कहाँ जाना है वहाँ से। वैसे मेरी जो ब्लॉग देखेगा वो खुद सो जाएगा, इतना आलस होगा। सुबह सुबह मैं जैसा रहता हूँ ना वैसे ही बोलता हूँ, जैसे मेरा मूड रहेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, अपने आप बहुत सारी कहानियाँ आ जाती हैं। अब धूप ज़्यादा हो गई इसीलिए मैं सुबह जल्दी आना चाहता था, ज़्यादा तेज़ धूप हो गई। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये जो यहाँ लोग जो है ना, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ। मैं यहाँ से आगे जाना चाहता था, यहाँ से काफ़ी दूर आगे उधर मार्केट है, पर अब तो धूप हो गया, वहाँ का व्यू अब इतना अच्छा नहीं होगा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। ऑलरेडी वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा, कहते हैं ना लोग आई एम साइनिंग ऑफ, पता नहीं साइनिंग ऑफ क्यों कहते हैं, ये भी सीधा बोल सकते हैं ओके बाय। सो आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ।